दोस्तों, कोरोना महामारी के लॉकडाउन का उपयोग करते हुए कैटरीना कैफ और सलमान खान ने खुद को टाइगर 3 के लिए पूरी तरह से तैयार कर लिया। टाइगर 3 इस बार एक्शन के मामले में सारे रिकॉर्ड तोड़ने के लिए तैयार है। कैटरीना कैफ और सलमान खान ने टाइगर 3 की एक्शन सीन्स की शूटिंग विदेश में कई अलग अलग लोकेशन पर की है। इस बार की कहानी भी देश के बाहर सेट की गई है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सलमान खान और कैटरीना कैफ ने फिल्म के कुछ एक्शन सीन्स शूट कर ली, जिसमें से एक है कार चेजिंग सीक्वेंस। सलमान खान और कैटरीना कैफ टाइगर 3 के रशिया के शेड्यूल को पूरा कर अब टर्की पहुंचे हैं। रिपोर्ट की माने तो शेड्यूल पूरा करके टाइगर 3 की पूरी टीम ऑस्ट्रिया जाएगी। खबरों की माने तो कैटरीना कैफ और सलमान खान ने कार चेजिंग सीक्वेंस सेंट पीटर्सबर्ग में शूटिंग की है। कहा जा रहा है कि कैटरीना ने सीन को बहुत ही बखूबी तरीके से किया है। हर कोई उनके फिटनेस को देखकर हैरान हो गया। सेंट पीटर्सबर्ग में कैटरीना कैफ और सलमान खान ने 5 दिन का शेड्यूल पूरा कर लिया। टाइगर 3 की शूटिंग इस्तांबुल में की जाएगी। इस बार सलमान खान के साथ यूलिया वंतूर भी सेट पर दिखाई दी। ये तो पहले ही साफ हो गया कि यशराज बैनर ने टाइगर 3 के लिए 350 करोड़ से अधिक का बजट रखा हुआ है। एक्शन सीन्स पर सबसे अधिक खर्च किए जाने की प्लानिंग की है। फिल्म के सबसे अधिक एक्शन सीन्स को यूएई की करीब देशों में शूट करने की शुरुआत हो गई। 8 महीने लगातार सलमान और कैटरीना इसकी शूटिंग करेंगे। गौरतलब है कि हिंदी सिनेमा की सबसे बड़ी फिल्मों में 3 नंबर पर टाइगर जिंदा है शामिल है। इस फिल्म ने 339 करोड़ की कमाई की थी। साल 2022 के बीच टाइगर 3 की शूटिंग की जाएगी। बताया जा रहा है कि सलमान और कैटरीना कैफ टाइगर 3 के लिए सबसे अधिक फीस चार्ज की है, जो कि बाकी की फिल्मों की तुलना में सबसे अधिक मानी जा रही है। वेल, ज्यादा चार्ज करना फीस, चलो ये सुपरस्टार है, बॉलीवुड के माने जाने एक्टर हैं। और दोस्तों, हम ये भी बात जानते हैं कि जब भी टाइगर सीरीज आने वाली होती है तो पहले से ही एक अलग ही एक्साइटमेंट होती है, क्योंकि फिल्म में बहुत सारा एक्शन होता है, एक अलग लेवल का मास होता है। और फिल्म में सलमान खान हो और एक्शन ना हो तो मज़ा ही नहीं आएगा। वेल, कितनी मज़ेदार होगी फिल्म, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। आपको इस बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय शेयर करें। थैंक यू सो मच। देखते रहें बॉलीग्राड स्टूडियोज़।